प्राइवेट सिक्योरिटी में सिक्योरिटी सुपरवाइजर का क्या काम है, स्पेशली अपार्टमेंट्स में? अपार्टमेंट्स हो या जो भी स्कूल, हॉस्पिटल या कमर्शियल बिल्डिंग्स या कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्री, जो भी हो, सिक्योरिटी सुपरवाइजर का काम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसका अंडर में 10-15 गार्ड्स काम करते रहेगा, सभी का जिम्मेदारी वो लेना है, सभी से काम लेना है, सभी को काम बता के देना है, पूरा मैन पावर मैनेजमेंट करना है। अगर कोई बीमार पड़ गया उसका जगह में दूसरा किसी को काम में रखना है, या कोई रिलीवर को बुलाना है तो फील्ड अफसर वगैरह फ़ोन करके आदमी अरेंज करना है। अगर किसी के पास खाना नहीं है, खाना मंगवा के खाना देना है, या वहाँ ऑफिस से बात करके उसको मतलब खाने का पैसा वगैरह जो भी है वो करना है, वो जब बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है सिक्योरिटी सुपरवाइजर का, उसका बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले सिक्योरिटी सुपरवाइजर अपना ड्यूटी चार्ज लेने से पहले सभी गार्ड्स को एक जगह में असेंबल करके परेड लेना है। एक 10 मिनट परेड लेकर के उधर जो भी डे टू डे कंप्लेंट्स होता है, गार्ड्स का कंप्लेंट हो या सिक्योरिटी का मतलब कुछ स्पेशल मैनेजमेंट का तरफ से इंस्ट्रक्शंस हो, जो भी है ब्रीफ करना चाहिए। सभी लड़का लोग ड्यूटी में रिपोर्ट किया है क्या, अटेंडेंस लेना चाहिए? अगर कोई एब्सेंट है तो उसमें उस जगह में दूसरा किसको आप ओटी लगाएगा, मैन पावर अरेंज करके वो करना चाहिए। उसका बाद में सभी लड़का लोगों को अपना ड्यूटी पोस्ट का बारे में मालूम है क्या, उधर क्या क्या काम है पूरा मालूम है क्या, वो चेक करना चाहिए। अगर कोई नया आया है काम का बारे में वो लोगों को मालूम नहीं है, वो लोगों को काम का बारे में बताना चाहिए, और उसका बाद में टर्नआउट वगैरह चेक करके अटेंडेंस लेके वो लोगों को अपना अपना पोस्ट में डिप्लॉयमेंट करना चाहिए। अगर कोई ओटी कर रहा है तो उसके लिए खाने का व्यवस्था करना है, क्या करेगा, आप फील्ड अफसर को फ़ोन करो, मतलब वो लोग खाना भेजेगा या पैसा देगा, आप लोग बाहर से खाना मंगवा के वो लोगों को अरेंज करना है ये सभी। उसका बाद में मेन आप लोगों का जो सिक्योरिटी एंट्रेंस आप लोग मूवमेंट्स देखते हैं उसमें क्या है, सबसे पहले एंट्रीज, व्हीकल एंट्रीज होता है, व्हीकल एंट्रीज रेजिडेंस का होता है, बाहर का कोई विजिटर्स वेंडर्स का होता है, उसको पहचानना है, व्हीकल में पार्किंग स्टिकर होता है वो देख करके पहचानना है, और बिना पार्किंग स्टिकर्स का जो भी आता है वो लोगों को विजिटर पार्किंग में गाड़ी खड़ा करके आके वो लोग एंट्री करना चाहिए। अगर कोई विजिटर है या वेंडर है तो किससे मिलने आया है क्या है, एक बार आप लोग एंट्री करके एक बार प्लाट ओनर से या मैनेजर से चेक करके वो लोगों को अटेंड करना चाहिए। साथ में टेलीफोन वगैरह अटेंड करना चाहिए, कोई रेजिडेंस फ़ोन करेगा या मैनेजर फ़ोन करेगा या हमारा कंपनी का तरफ से फ़ोन करेगा, टेलीफोन कभी भी अच्छे से इज्जत से बात करके आप लोग सही से जवाब देना चाहिए। और उधर जो भी मतलब मेड सर्वेंट्स या वेंडर्स या विजिटर्स जो भी आता है वो लोगों का मूवमेंट्स बराबर एंट्री करके विद परमिशन है या नहीं है चेक करके मूवमेंट्स हैंडल करना चाहिए। जैसा पार्सल वगैरह, कुरियर, पोस्ट या कुछ मतलब पार्सल वगैरह आता है वो सभी बराबर अटेंड करना चाहिए, या कुछ भी इनवर्ड और आउटवर्ड मटेरियल मूवमेंट्स होता है, जैसा अपार्टमेंट्स में कुछ मोटर वगैरह रिपेयरिंग के लिए बाहर जाएगा, कभी कभी ये फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर रिफिलिंग के लिए जाएगा, या कभी कुछ लिफ्ट का कुछ वेंडर्स वगैरह कुछ मटेरियल्स लेके आएगा। ये जो भी मटेरियल मूवमेंट्स होता है वो इनवर्ड और आउटवर्ड या रिटर्नेबल जो भी मटेरियल रहता है बराबर रजिस्टर में एंट्री करना चाहिए, प्रॉपर परमिशन गेट पास वगैरह चेक करना चाहिए, वो सभी आप लोग देखना चाहिए। तो सिक्योरिटी सुपरवाइजर का जिम्मेदारी सबसे पहले क्या हो गया, लड़का लोगों को बराबर पोस्टिंग में डालना चाहिए, वो लोगों का टर्नआउट वगैरह चेक करना चाहिए, अगर शॉर्टेज वगैरह है तो तुरंत आपका फील्ड अफसर को रिपोर्ट देना चाहिए, और कोई अगर कल छुट्टी ले रहा है ऐसा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो फील्ड अफसर को रिपोर्ट करके दूसरा आदमी को वो लोग अरेंज करना है, उस हिसाब से वो लोगों को
बात करना चाहिए। उसका साथ ही साथ बाकी लड़का लोग अपना पोस्ट में सही से बैठ करके काम कर रहा है क्या, वो सभी आप नज़र रखना चाहिए। क्योंकि आजकल लड़का लोग इतना मतलब केयरलेस रहेगा, कभी मोबाइल पकड़ लेता है और कभी भी मोबाइल में बिजी रह जाता है, उधर कौन आता है कौन जाता है सही से ध्यान नहीं देता है। वो सभी फर्स्ट इंचार्ज आप ही है उस यूनिट में, इसलिए आप वो सभी देख करके लड़का लोगों को उधर ही अच्छे से समझा करके, ऐसा कुछ भी फॉल्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा नज़र रखना चाहिए। गार्ड्स लोगों को काम बता के देना और वो लोगों से कैसे काम लेना है, कभी एक बार प्यार से बात बात करना पड़ेगा लड़का लोगों से, कभी थोड़ा वो लोगों को जोर से ही बात करना पड़ेगा, या कभी कोई लड़का लोग आपका बात नहीं सुनता है तो तुरंत फील्ड अफसर को रिपोर्ट करना चाहिए। और कभी कभी पेनल्टी भी आप लोग आप डाल सकता है, अगर कोई गार्ड आपका बात नहीं सुन रहा है, बार बार गलती कर रहा है, ऐसा केस में आप वो लोगों को पेनल्टी भी डाल सकता है। तो गार्ड्स लोगों से कैसे काम लेना ये सब भी आप देखना चाहिए। साथ में जो भी अपार्टमेंट में रेजिडेंस रहता है वो लोगों का साथ अच्छा थोड़ा रिलेशनशिप रखना चाहिए, इज्जत से वो लोगों को बात करना चाहिए, वो लोगों को एक एक करके चेहरा आप लोग आप पहचानना चाहिए, कमिटी मेंबर्स कौन हैं, वो लोग कब आएगा कब जाएगा, वो लोग कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिया है क्या सिक्योरिटी के लिए, और उधर पार्किंग के लिए क्या प्रोसीजर है, बाकी क्लब हाउस में क्या है और स्विमिंग पूल में मेन गेट में एग्जिट गेट में क्या प्रोसीजर है, पूरा आपको मालूम रहना चाहिए, तब जाके आप उस पोस्ट में बाकी लड़का लोगों को अच्छे से समझा सकता है। तो ये देखना चाहिए। और कभी भी व्हीकल्स को भी आप अच्छे से पहचानना चाहिए। और आजकल क्या है, बाहर का आदमी डायरेक्ट मार्केटिंग वगैरह ज़्यादा है, कोई डोनेशन कलेक्ट करने के लिए आ जाता है, या कोई चुपके अंदर घुस करके अपना बिजनेस मतलब मैनेजर का पास बिजनेस कार्ड देने के लिए, या कोई रेसिडेंट का पास जाके हमारा कोई वो लोगों का कुछ बिजनेस का पाम्पलेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चले जाता है, ऐसा कभी कभी अंदर घुस जाता है, वैसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप लोग बहुत शार्प रहना है, बहुत हुशार से सभी मूवमेंट्स को नज़र रखना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, कुछ इमरजेंसी आ जाता है, जैसा कोई बीमार पड़ गया, कोई रेसिडेंट्स को कुछ इमरजेंसी हेल्थ इशू हो गया, तुरंत आप आपके पास लोकल पुलिस स्टेशन का हो या लोकल मेडिकल शॉप का हो, मतलब नियर बाई हॉस्पिटल का कांटेक्ट नंबर, फायर ब्रिगेड का पूरा इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर्स वगैरह आपके पास होना चाहिए। ऐसा कोई अगर किसी का हेल्थ इशू हो गया, तुरंत अगर वो लोग पूछता है आपको, भैया नियर बाई कौन सा हॉस्पिटल है, कुछ फ़ोन नंबर वगैरह है क्या, फटाफट नंबर दीजिए, या कोई एम्बुलेंस को बुलाना है तो एम्बुलेंस को बुला दीजिए, या कोई गार्ड्स को उधर भेजो थोड़ा वो लोग मतलब मदद करने के लिए, वो लोगों को एम्बुलेंस में बैठाने के लिए या कार में बैठाने के लिए, ऐसा इमरजेंसी में किसी गार्ड को भेजना या उधर जाके मदद करना, ये सभी आपका कर्टसी होता है। मतलब आप उधर काम कर रहे हैं, वो लोग आपका पेमेंट दे रहा है, तो वो लोगों को हम लोग नियत दिखा करके ये सभी हम लोग वो लोगों को मदद करना चाहिए, ये सभी होता है। कभी कभी क्या है ना, बाहर कुछ गलाटा वगैरह होते रहेगा, जैसा कुछ मास क्लैश होता है, जैसा हिंदू मुसलमान का गलाटा होता है, या कोई लेबर का कुछ डिस्प्यूट रहता है, या कोई ऐसा लोकल कुछ रउडीज वगैरह जैसा गुंडास वगैरह आपस में लड़ाई करके, ये सभी होता है। कोई बड़ा बड़ा स्ट्राइक वगैरह करता है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का, या ऐसा कुछ होता है, तो बाहर आप लोग अगर ऐसा कुछ आपको पता चला तो उसमें से अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इधर गेट में कुछ लपड़ा वो लोग कर सकता है, या वो लोग अंदर घुसने के लिए कोशिश कर सकता है, अगर ऐसा आपको लगा तुरंत तो मैनेजर को बताना चाहिए और गेट बंद करके सिक्योरिटी को उधर थोड़ा पीछे बैठा करके उधर कैसे अलर्ट रहना है, और सिचुएशन में आप कैसे हुशियार से रहना है, किसको इन्फॉर्म करना है, ये सभी देखना है। दूसरा बात, जैसा कोई फायर इंसिडेंट हो गया, कभी कभी हो जाता है, जैसा ये पैनल रूम में या डीजी रूम में कभी कभी हो जाता है, उस टाइम में तुरंत आप क्या करना है, जैसा हमारे पास फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर्स हैं,
कोई गार्ड्स आपको इन्फॉर्म किया तो तुरंत मैनेजर या टेक्नीशियन को बुला करके स्पॉट में जाना है और कौन सा फायर है क्या है आइडेंटिफाई करके, जो आपको ट्रेनिंग दिया रहता है फायर फाइटिंग क्लासेस में वो नॉलेज को इस्तेमाल करके सूटेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स को यूज़ करके वो सभी फायर एक्सटिंग्विश करना चाहिए। ये सभी जिम्मेदारी रहता है। और मेन के आजकल क्या हो रहा है, ये जो अपार्टमेंट्स में टेनेंट्स स्पेशली स्टूडेंट्स और बैचलर आदमी लोग जो रह रहा है वो लोग रात में 12 बजे 1 बजे पार्टी बनाएगा, जोर जोर से चिल्ला करके मतलब बाकी अगल बगल वालों को डिस्टर्ब करेगा। वैसा अगर कुछ भी होता है तुरंत जाना है वो लोगों को समझा करके, वो सभी लाउड म्यूज़िक वगैरह या चिल्ला करके जो वो लोग बड़ा हंगामा कर रहे हैं वो सभी स्टॉप करना चाहिए। और कोई अगर बात नहीं सुनेगा तो तुरंत कमिटी वाला या मैनेजर को बोल करके, किस हिसाब से वो लोग डायरेक्शन देता है उस हिसाब से आप फॉलो करना चाहिए। और कुछ भी मटेरियल चोरी नहीं होना चाहिए उधर। और आप लोग आप पेट्रोलिंग जाते हो तो ईच एंड एवरी पोस्ट में, जैसा मेन गेट से लेके एग्जिट गेट तक और क्लब हाउस या पार्टी हॉल या बेसमेंट या स्विमिंग पूल, सभी एक बार पोस्ट पोस्ट में जाके हमारा लड़का लोग सही से काम कर रहा है क्या, वो लोग पोस्ट में बैठा है क्या, या वो लोग ध्यान दे के कहीं सही से काम कर रहा है, ये सभी देखना चाहिए। अगर कोई पोस्ट मिसिंग है, कहीं पोस्ट छोड़ के चले गया है या मोबाइल पर मोबाइल पकड़ करके बैठा है या कोई पेपर पढ़ रहा है, ऐसा कुछ है तो वो लोगों को समझाना है, या कोई उधर बैठे बैठे सो गया है, ये सभी अलो नहीं है। स्पेशली रात का टाइम में आप लोग पेट्रोलिंग जाते हो तो पूरा कंपाउंड चेक करना है, फेंसिंग वगैरह, वो हमारा पेरिफेरल लाइट वगैरह बराबर जल रहा है क्या देखना है, लिफ्ट वगैरह सही है क्या, कोई लिफ्ट में फंस गया, कुछ लिफ्ट का अलार्म आ रहा है, या बेसमेंट का गाड़ी वगैरह सही से पार्क हुआ है क्या, और ओवरहेड टैंक वगैरह, ओवरहेड टैंक में पानी ओवर फ्लो होके पानी बाहर जा रहा है क्या, ये सभी आप लोग नज़र रखना चाहिए। और क्लब हाउस वगैरह लॉक हुआ है क्या रात में, स्विमिंग पूल वगैरह लॉक, और क्या है रात में आपको गेट लॉक करके 11 बजे के बाद में लॉक करके रखना चाहिए, लॉक करके जो भी व्हीकल मूवमेंट्स वगैरह आता है तो गेट खोलना फिर लॉक करके रखना है, वो सभी रहता है, तो वो सभी देखना चाहिए। और कुछ भी इंसिडेंट्स होता है आप इंसिडेंट रिपोर्ट लिखना है विथ प्रॉपर डिटेल्स, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कोई चोरी करने के लिए कोशिश किया या कोई उधर कुछ भी अनयूजुअल इंसिडेंट्स होता है तो वो सभी आप तुरंत एक इंसिडेंट रिपोर्ट बना के फील्ड अफसर को रिपोर्ट देना है और मैनेजर को भी बताना चाहिए। तो और आप पेट्रोलिंग जाते हो तो कभी कभी ये पैनल रूम में या डीजी रूम में, पैनल रूम में ज़्यादा वो कपड़ा और न्यूज़पेपर या ऐसा कुछ भी पूरा वो मतलब उधर डाल करके रखा है वो सभी चेक करना है, मेंटेनेंस को बताना है। पैनल रूम में ऐसा पेपर वुड या मतलब कार्टन बॉक्स वगैरह पूरा घुसा करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर आएगा देखेगा वो सभी पेनल्टी डालेगा, और वो बात अलग है कभी उधर फायर इंसिडेंट हो सकता है, इसलिए पैनल रूम्स वगैरह साफ़ सुथरा रखना चाहिए। उसी हिसाब से जैसा डीजी वगैरह है, डीजी में क्या है ऑयल लीकेज ज़्यादा हो रहा है उधर ही, वो वेस्ट वगैरह टेक्नीशियन उधर ही पेकर रहता है, तो वो सभी डीजी का आसपास में भी थोड़ा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, वो सभी देखना है। और उसी हिसाब से जैसा ट्रांसफार्म यार्ड होता है, ट्रांसफार्म यार्ड में क्या है पूरा ये वीड्स वगैरह जैसा क्रीपर्स वगैरह पूरा ऊपर तक प्लांट्स जो रहता है वो सभी बांध करके रहता है, वो सभी इंटीमेट करना है मेंटेनेंस टीम को थोड़ा साफ़ सुथरा रखने के लिए। और स्पेशली लिफ्ट मशीन रूम का की हो या टेरेस का चाबी हो और पंप हाउस का चाबी वगैरह जो भी हो, जो भी मतलब वैसा इम्पॉर्टेंट चाबी होता है ओनली परमिटेड आदमी को आप लोग चाबी इशू करना है, बाकी किसी को चाबी इशू नहीं करना चाहिए।
और टेरेस में कोई अगर बच्चा लोग खेल रहा है वो से भी परमिशन नहीं है, या पार्किंग पार्किंग में बेसमेंट में कोई बच्चा लोग खेल रहा है वो से भी परमिशन नहीं है। और कोई प्लाट लोग बालकनिया जो बालकनी में रहता है, कभी कभी मैं देखा हूँ बच्चा लोगों को बालकनी में दे दिया रहता है, छोड़ दिया रहता है बालकनी में, बच्चा लोगों को वो क्यूरियासिटी है, चुपके वो वॉल का ऊपर वो क्लाइम करके ऊपर चढ़ने के लिए कोशिश करते रहेगा, वो सभी आप लोग वो तुरंत इंटीमेट करके प्लाट ओनर को वो सभी काल रखना चाहिए। तो ये सब भी है, स्पेशली आप लोग राउंड जाते हो तो पंप हाउस में जाना है, पंप हाउस सभी मटेरियल्स भरे सभी बराबर है क्या, उधर कोई लॉयटरिंग कोई मतलब अनऑथराइज आदमी घूम रहा है क्या, वो सब भी नज़र रखना चाहिए, ऐसा कोई है तो इमिडिएटली मैनेजर को बताना चाहिए। तो सुपरवाइजर का काम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आज हम लोग बस इतना बात करेंगे और आगे मैं पॉइंट वाइज पॉइंट बताते रहता हूँ, तो देख लेना, थोड़ा होशियार से काम करना। थैंक यू।